Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is Strategy of Industrial Growth from 1947 to 1990. बेटा ये चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आज हम इसके MCQ questions डिस्कस करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. Now question number 1. Public sector enterprises are driven largely by consideration of A. social welfare, B. profit, C. either A or B and D. none of these. Public sector enterprises हमारे जो हैं वो basically शुरू ही इसलिए किया गया था ताकि social welfare हो. इसमें आपने confuse नहीं होना, आपने either A और B नहीं लिखना है. profit motive private enterprise में थी, public sector के लिए social welfare आनी है. ठीक है, तो इसकी option A आएगी. ऐसे आपको क्लोज ऑप्शंस ही आएंगी जिनमें आप कंफ्यूज होने के चांसेस हैं. आपने इतना ध्यान रखना है पब्लिक एंटरप्राइजेस जहाँ पे आएगी तो वो बेसिक जो उसका मोटिव था वो सोशल वेलफेयर था. राइट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन ऑब्स्टकल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस. ये है ऑप्शंस हैं, ऑब्स्टेकल कौन सी थी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की. लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट और ऑल ऑफ दीज. बेटा ये जो है इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हमारी नहीं हो पाई थी क्योंकि इंडिया वाज अ पुअर नेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ये तीनों ऑप्शंस हमने डिस्कस की थी, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट. ये सारी चीज़ें जो एक हर्डल थी जिसके कारण हमारी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं हो रही थी. सो ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सी गलत है ये बताना है. ये ध्यान से रखना, करेक्ट इनकरेक्ट इसके ये पढ़ने में बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं. इनकरेक्ट बोला है, गलत वाली ऑप्शन निकालनी है हमने. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हायर इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स देन द इंडस्ट्रियल गुड्स. इंडस्ट्री इज द एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, इंडस्ट्री तो एपिसेंटर है ये ग्रोथ के लिए. इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस इट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स. इंडस्ट्री इम्पार्ट्स डायनमिज्म टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ऑब्वियसली क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज खुलती हैं, अलग अलग फील्ड्स की खुलती हैं तो डायनमिज्म भी आ रहा है. सिर्फ जो इसमें जो ऑप्शन आएगी, आंसर आएगा, आंसर विल बी ऑप्शन ए. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हायर इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स देन द इंडस्ट्रियल गुड्स. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 लेड एम्फसिस ऑन द रोल ऑफ जॉइंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर है और या नन ऑफ दीज. 1956 में ज़्यादा रोल किसका कर रहे थे हम, पब्लिक सेक्टर का. वो किस लिए था, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा नहीं था, प्राइवेट सेक्टर्स के पास इतना पैसा नहीं था. सिर्फ टाटा बिरला टू ही ग्रुप्स थे जिनके पास पैसा था. इसलिए ये IPR 1956 है जो इसी पर्पस से बनी थी कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा उसको फोर्स किया जाए, उसका रोल जो है इम्पोर्टेंस दी जाए कि वो डेवलपमेंट के लिए आए. तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, पब्लिक सेक्टर. 5th क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज ए इज 4 करोड़, बी इज 5 करोड़, सी इज 6 करोड़ एंड डी इज 1 करोड़. सो द ऑप्शन विल बी 5 करोड़. ये अब की डेट में 5 करोड़ है, जब स्टार्ट हुई थी तब 5 लाख थी. ठीक है, ये गलती से बेटा इसमें ऑप्शन गलत टिक मार्क हो गई है. तो ये मैं आपको फिर बता देती हूँ कि ये जो ऑप्शन है हमारी, ये दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ऑप्शन इज बी. ठीक है, 5 करोड़. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कौन सा टिपिकल कैरेक्टर है.
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या SSI बोलते हैं। SSI इज लेबर इंटेंसिव, इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव, शोज लोकल फ्लेक्सिबिलिटी, या बोथ ANC। देखो SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप भी इसलिए हुई थी क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, लेबर इंटेंसिव है, ये ज़्यादा अपने आप में अपने पास से लेबर एब्जॉर्ब कर लेती है, अनएम्प्लॉयमेंट को एब्जॉर्ब करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। डैट इज़ वाई द और ये लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे को शो करती है। सो SSI के जो टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से हैं? SSI इज लेबर इंटेंसिव एंड SSI शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। सो ऑप्शन इज डी, बोथ ANC। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ बिटवीन द पीरियड 1951 टू 1990 फोकस्ड ऑन लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। उस टाइम तो क्योंकि प्राइवेट में इतना पैसा नहीं था, राइट है ये। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं था, तब तो हमें था कि हम एक्सपोर्ट करें, पहले एक्सपोर्ट था, बाद में 1990 के बाद में इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन आना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये देखो जो दो बी और सी ऑप्शन है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन, इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो इस केस में अपने जो टाइम पीरियड देखना 1951 से 1990 में, एक तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की ग्रोथ के ऊपर लीडिंग रोल के ऊपर जो है फोकस किया गया था, और दूसरा एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर फोकस, ये जो दूसरा है हमारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस किया था, क्योंकि हमें बाहर से हमारा इम्पोर्ट जो है वो हो रहा था, फिनिश गुड्स ले रहे थे, तो इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी को गेन करने के लिए ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जोर दिया गया, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन तो है बाद में हुआ था। सो ऑप्शन विल बी बोथ A and B, डैट इज ऑप्शन D। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन डेवलपिंग इकोनमी लाइक इंडिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग, एपे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये ऑल ऑफ दीज। कौन कौन सी चीज़ें इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस को बताती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ भी बताती है, इंडिया जैसी इकोनॉमी में जो डेवलप हो रही है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग भी शो करता है कि इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। एपे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ उससे ज़्यादा बढ़ रही है, वो भी शो कर रहा है। सो ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ बिटवीन 1951 टू 1990 ग्रेजुअली लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस ओइंग टू इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, इनएफिशिएंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ऑल ऑफ दीज। इसमें देखो बच्चे 90% बच्चे ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेंगे, ऑल ऑफ दीज नहीं करना, या बच्चे ए ऑप्शन करेंगे। जो 1951 टू 1990 का पीरियड है उसमें ज़्यादा पब्लिक सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया था, तो पब्लिक सेक्टर की इनएफिशिएंसी के कारण जो है हमारा इसमें जो आपकी ग्रोथ की जो उसने सिग्निफिकेंस लॉस किया था, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, डैट इज इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्टर्स दैट नेसेसिटेटेड द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कौन से फैक्टर्स के कारण हमारे को स्टेट को मीन्स गवर्नमेंट को डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना पड़ा था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के? ऑप्शन है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, येस एवरी इकॉनमी वॉन्ट्स कि इट्स इकॉनमी शुड इंक्रीज, शुड ग्रो विद सोशल जस्टिस, लाइक राइट, लैक ऑफ कैपिटल, इंडिया में कैपिटल इतना नहीं था, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स, क्योंकि इतनी ज़्यादा पैसा ही नहीं था तो कहाँ से वो इन्वेस्ट करेंगे, उनको दिखता था कि मार्केट ही नहीं है, डिमांड ही नहीं गुड्स की, हम क्यों पैसा इन्वेस्ट करें। ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इन तीनों चीज़ों के कारण गवर्नमेंट ने अपना रोल इंट्रोड्यूस किया था कि उनको जो है अपने आप को डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। सो ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज। राइट, नाउ कम टू 11th क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल कंसेशंस ऑफर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री इंक्लूड सब्सिडाइज पावर सप्लाई, टैक्स हॉलीडे,
बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। इस केस में इंडस्ट्रियल कंसेशन बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए दिए गए थे, उनको सब्सिडाइज जो पावर सप्लाई है वो सब्सिडाइज रेट पे दी जा रही थी और उनको टैक्स हॉलीडे भी दिया गया जा रहा था। सो आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट कम्स द बेसिक आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी वॉज टू encourage industries in backward regions of the country, ensure environment friendly investment, promote private investment in the economy, none of this। इसको भी ध्यान से करना बेटा, क्योंकि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी बेसिकली इसलिए की गई थी कि हमारे बैकवर्ड रीजन्स को भी डेवलप किया जाए, उनमें इंडस्ट्रीज को इनकरेज किया जाए। अगर इंडस्ट्रीज वहाँ पे बैकवर्ड रीजन्स में बढ़ेंगी लगेंगी तो उससे हमारी ओवरऑल पावर्टी भी रिड्यूस होगी, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, इकोनॉमी हमारी ओवरऑल राइज करेगी, ग्रो करेगी। ठीक है, सो ऑप्शन इज ए, इनकरेज इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिनको हम SSI भी बोलते हैं आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से फीचर्स हैं। SSI नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, यस स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए। SSI इज़ लेबर इंटेंसिव एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ऑब्वियसली वो क्योंकि लेबर को एब्जॉर्ब करती, लेबर इंटेंसिव है और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। शोज़ लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, येस SSI शोज़ लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी या ऑल ऑफ दिस। ये चारों के तीनों के तीनों फीचर्स जो हैं वो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के हैं, सो ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, so this is all about today's video। If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box। Thanks for watching।